हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सामने हमारे हैं वेंटो और वर्टस। अब वेंटो वर्टस की बहुत सारी ड्रैग रेस देख चुके हो मेरे चैनल पे। आज लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। आज ये अपनी 1 लीटर TSI वेंटो की फेयर कंपटीशन करने वाले हैं और 1 लीटर वर्टस लेके आए हैं, बिकॉज हम अपनी वेंटो को हर बार 1.5 TSI GT से ही भिड़ा देते हैं और ऑब्वियसली फिर वही होता है, अपनी वेंटो हार जाती है 130 के बाद। तो बिकॉज भाई अपनी वर्टस GT तो आपको पता ही है, वो तो ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है कम्पेयर टू वेंटो। लेकिन आज हम 1 लीटर लेके आए, लेकिन इस बार भी थोड़ी फेयर चीज़ नहीं है, बिकॉज ये अपनी स्टेज 1 ट्यून्ड हो रखी है और हमने इसकी अभी ड्रैग रेस करी है तो बाद अब थोड़ा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो बात करें इसकी, तो ये स्टेज 1 OEM प्लस रीमैप हो रखा है GT ट्यूनर से, और अभी इस समय प्रोड्यूस कर रही है 135 से 140 के बीच में हॉर्स पावर और 240 NM का टॉर्क। वेट की बात करें अपनी 1250 kg की आ जाती है। टॉर्क कन्वर्टर इसका गेयरबॉक्स है। इसकी बात करें तो ये है अपनी 1 लीटर मैनुअल 1 लीटर TSI जो कि प्रोड्यूस करती है 110 हॉर्स पावर 175 NM का टॉर्क। ये है 1200 kg की। अब इन दोनों में मेजर फर्क ये है कि वो था इंपोर्टेड इंजन जो 2020 में आता था, तो उसका जो एग्रेसिवनेस है ना वो उतनी नहीं है कंपेयर टू इसमें, वेयर एज ये थोड़ी माइलेज ओरिएंटेड है। वैसे भी ओवरऑल भी जितनी भी वेंटो पोलो आती थी उनका जो इंजन था ना 1 लीटर वो काफ़ी एग्रेसिव था कंपेयर टू जो 2.0 का आसमान आता है, वो थोड़ा माइलेज ओरिएंटेड ज़्यादा है तो उनकी माइलेज भी ज़्यादा आती है। ठीक है, ठीक हमारी भी सेडेट सेटिंग्स है, ट्रैक्शन वाला आता नहीं है और एसी हमने ऑन किया हुआ है और मैनुअल। हाँ ठीक है, तो वैसे पहला राउंड यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर तुम क्रॉल कर देते हैं गाड़ी अभी। थोड़ा सा लैग हुआ बट अभी भी ठीक है, साथ है, अब ये पकड़ लिया ये गई। अब तो उसका अब तो भाई साहब, अबे ये क्या सीन हो रहा है, अबे तो GT की तरह गैप बना दिया और यहाँ 400 मीटर पूरे हो जाएंगे येलो कोड पे हमारे, और हमारे हुए 155 के आसपास, और तब ब्रेक ले रहा हूँ मैं 400 मीटर पे। तो ब्रो ये भी 155 कर रही है। 400 मीटर पे नहीं गया, 400 मीटर पे 145 के आसपास थी, 155 पे मैंने बताया है, ये तो कर ही नहीं सकती 400 मीटर 155। बहुत इजीली और बहुत क्लियरली 1 लीटर TSI रहती है। एक बार पूछ लेता हूँ उनसे, कोई दिक्कत होनी चाहिए। पूरा थ्रॉटल नहीं दबा हुआ था लॉन्च के टाइम पे। अच्छा कोई नहीं, चला यहाँ से कर लेते हैं और अच्छे से कर देना। AC तो ऑन रखे ना अभी? ठीक है ठीक है, सेम से ट्रैक्शन ऑफ कर लो, एक काम करो। ठीक है, तो वैस उसका ट्रैक्शन ऑफ हो चुका है, हमारा AC ऑन है, उसका भी AC ऑन है और बाकी सब चीजें सेम है, बस ट्रैक्शन का फर्क है। ठीक है, रेडी 3। तो भाई व्हील स्पिन बहुत मार रही है, तो भी शिफ्टिंग बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पर, और अब तो भाई क्या बनेगा, अब इसको अगर तो बहुत क्या बन गया। भाई विनर यही रह रही है लगातार और कोई फर्क नहीं आ रहा। एक बार ना एक काम करते हैं, एक बार उसमें चले, नहीं मतलब मैं जाऊँ उसमें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, उसका POV ले ले, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत हो रही होगी वो दिख जाएगी फिर, और मैं तो इसी में रहता हूँ, रहेगी और इस बार 3-2-1 वो करेंगे ताकि सही रहे। तो अब देखते क्या रहेगा, अब देखते क्या रहेगा, शुरू करेंगे अभी राउंड। शीशा ऊपर कर ले, देखते भाई क्या रहेगा। ओ भाई, ओ नो, उसने तो बहुत लैग ले लिया वेंटो ने, ये लॉन्च नहीं हो रहा था मेरा हर बारी। हाँ अबे आ गई, वो तो बहुत तेज चली गई। वही है, इसमें जो थर्ड गियर का जो हल्का सा पावर लॉस है ना वो पता चल जाता है, और फिर उसके बाद तो भाई चीज ही है इसमें, पता है ये वैसे ही चल रही है, बस जब भी ना ड्राइव मोड में थोड़ा सा ही ज्यादा लैग लेती है, स्पोर्ट मोड पे बढ़िया परफॉर्म करती है, जैसे उसके अगेंस्ट कर रही थी ना अभी 1 लीटर 80 अगेंस्ट पे डाले पहले। हाँ उसी पे करते हैं अब अगला राउंड, और AC ऑफ होगा ना तो बहुत फर्क आएगा। AC में तो पता नहीं क्या होगा, होता है इसको। हाँ वही है, 1 लीटर है ना तब जाता है ये। स्पोर्ट में डाल दे अब। हाँ, तो स्पोर्ट में डाल दो, हम AC ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, हम भी AC ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस अब स्पोर्ट मोड पे रहेगी ये, और हॉर्न ऑन हो जाएगा यार। हॉर्न हम दे देंगे यहाँ तो सुनाई नहीं देता, तो मैं शीशा नीचे रखता हूँ, वो हॉर्न दे देते हैं। ठीक है, तेज है ना। हाँ वही कौन तेज है। 3 ऑन दे दे, 3 ऑन।
तुझे सुनाई दे जाएगा इसको हॉर्न? ठीक है, तो आप ही दे दो फिर। फिर लैग लिया उसने, और इसने भी लैग थोड़ा सा लिया, ये लैग लिया, ये आया इसने। अब गियर टक गया उनका, थर्ड गियर टक गया था, इधर रोक ली उन्होंने गाड़ी, रोक ली। तो भाई अथर से थर्ड गियर टक गया शायद से मोसोली वेंटो का, तो रोक दी गाड़ी, तभी हुआ है। लॉन्च भी थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं हो पाया था, और अपनी ये भी जो है ये लॉन्च सही हुई थी, बट इसमें वही जो थर्ड गियर का अपना लैग आता है ना, वही लैग आ रहा है, और उसी का वो फायदा उठाती है, वो आने लग जाती है। फिर अगर एक बार अगर वो पीछे हो जाती है तो वो तब रील कर लेती है इसको। कोई नहीं, अब यहाँ से एक राउंड में अथर बता रहे कि गाड़ी ने लैग लिया तो थर्ड गियर भी अटक गया था, इसलिए उसने रोक ही दी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से करते हैं और देखते क्या रहेगा। लैग वो ले रही है बिकॉज गर्मी हो गई अब, तो लैग लेने लग गई है वेंटो भी, वो चीज वेंटो में भी होती है भाई, लैग लेने लग जाती है, क्लच गर्म हो जाता है क्योंकि ना, इससे लैग लेने लग जाती है वो भी। तो वही है, मोड सेम रहेंगे दोनों गाड़ियों के। ओ भाई कितना व्हील स्पिन, ओ भाई अब दोनों साथ में लॉन्च हुई है। वो बस ये आया ना थर्ड गियर का लैग, अब देखो अब वो चली जाएगी, हो गई, थर्ड गियर का लैग आया ना इसमें, अब आ जाएगी इसमें वापस पावर, अब आ गई ना, अब आ गई ना, हाँ यही है इसमें पावर है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें वही लैग है, वो जो शुरुआत का लैग है इनिशियल का, 4,000 से 5,000 RPM के बीच में। हाँ अब ब्रेक ले ली उन्होंने, वो इसका वही है पावर लैग है, वरना वो ये अच्छा परफॉर्म करेगी, वही चक्कर आ जाता है इसमें। बाकी लॉन्च बढ़िया हुई थी इस बार, दोनों ही साथ में लॉन्च हुई थी, व्हील स्पिन बहुत मारा दोनों ने। ये कितना व्हील स्पिन मार रही है कंसीडरिंग ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, XUV700W जितना व्हील स्पिन मार रही है। इस बार इसने भी वैसे ही परफॉर्म किया, जो 4,000 से 5,000 के बीच में जो लैग आता है ना वो लिया, लेकिन उसके बाद इसमें पावर आ गई थी, भाई को खुद भी फील हुआ। भाई ये मेरे को लग रहा है उन्होंने ना, हो सकता है ट्यून के अंदर ही ऐसी कोई सेटिंग हो कि जब लॉन्च करे तो भाई वो पूरी पावर दे दे एक बार में, हो सकता है। वो गर्मी भी हो रही है, वो क्लच गर्म हो रहा होगा ना। कोई नहीं, चल अब इससे यहाँ से एक रोल रेस करें, या क्या करें, रोल रेस कर लेते कितने पे, 20? ठीक है ओके। हॉर्न कौन देगा, तू दे दे एक सिंगल हॉर्न, दो दे दे, हाँ चल ठीक है। तो गाइस 20 से रोल रेस करेंगे फर्स्ट गियर पे, वो दो हॉर्न दे देंगे, और भाई बहुत गर्मी में खत्म होने वाले हम तो गाड़ियों की भी ऐसी तैसी हो रही है हमारी भी। भाई इनिशियल में थोड़ा आगे अपनी बटस, ये अब आ रही है भाई, वो देखो अब ये रील कर लिया उसने, अब ये मारेगी थर्ड गियर का अपना पावर लॉस, और अब तो हो जाएगी उसमें। अब देखो ये खिंचने लग गई फिर से, देखो खिंच रही है ना, अब इसमें वापस पावर आ गई है। वो अलग बात है कि उसका मिड रेंज उस वाली से स्ट्रॉन्ग है, वेंटो 1.80L से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन देखो गैप कितना धीरे बन रहा है। अब इसमें भी पावर आ गई, ब्रेक ले लो अब, क्योंकि अब उसने लॉन्ग रन में गेन करने को रही है, पर हाँ लॉन्ग रन में क्या है ना, वो अभी भी थोड़ा इसलिए जा रही है बिकॉज उसका मिड रेंज उस वाली से स्ट्रॉन्ग है, 80 वाले से, लेकिन 80 वाली को ये रील कर रही थी, 80 वाली को ये रील कर रही है, हरा देगी ये लंबे में, तो हरा देगी, इसको नहीं हरा पाएगी बिकॉज वो मैनुअल है, हो सकता है इसको भी हरा दे लंबे में, क्या पता, क्योंकि ये ट्यून्ड है, फिर पावर भी तो ज्यादा है, टॉप स्पीड मेरे एक दोस्त के पास है, उसकी 200 तो गई हुई है ये, हाँ ट्यून्ड ही 1L ऑटोमेटिक, कोई नहीं एक बार इसको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना। हाँ परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगवा लो, सब इसमें बग्स भी होंगे ना, अभी रीमैप हुई है तो अभी जस्ट हुई है तो बग्स भी होंगे, वो हट जाएंगे। जैसा कि आपने देखा हमने 3 ड्रैग रेस करी और 1 रोल रेस करी। अब वेंटो में क्या है, अभी थोड़े ना गर्मी होगी तो थोड़ा सा लॉन्च उतना अच्छा नहीं हो रहा जितना वो कर सकती है, थोड़ा सा बॉकडाउन हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है मतलब इनिशियल में दोनों साथ सी रहती हैं, बाद में वेंटो जो निकलती है जब इसका ना थोड़ा सा पावर लॉस होता है, जो मैंने आपको बताया ना थर्ड गियर में इसका थोड़ा पावर लॉस होता है, उसमें जो पावर लॉस होता है उसमें वेंटो फिर निकल जाती है, फिर वेंटो गैप बनाती है, लेकिन ये थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करती है, उसके बाद जब इसमें फिर वापस पावर आ जाती है, तो मतलब काफी फर्क तो आ गया है ट्यून के बाद, थोड़े से बग्स हैं ये जो मैं कह रहा हूँ ना पावर लॉस जो हो रहे हैं वो बग्स की वजह से ही है, वो जब ठीक हो जाएंगे तो पूरी परफॉर्म करेगी अच्छे से, अभी परफॉर्मेंस एयर फिल्टर भी नहीं लगाया ना, तो वो भी एक चीज है। बाकी नौ स्टॉक से तो ये काफी फास्ट है, वो स्टॉक काफी स्लो है, मैंने स्टॉक से ऑफ कैमरा रेस कर रखी है और वो काफी स्लो थी। तो आप बताना आपके क्या थॉट्स इस ड्रैग रेस पे, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ऐसी बड़े से वीडियो के लिए अभी के लिए।